हाँ, मैं सबको हैरान परेशान तो कर रही हूँ। मैं बार डांसर बनी हूँ सीजन टू में, ऐसे मैं कहती हूँ लोगों को, पर मैं एक्चुअली क्या बनी हूँ किसी को नहीं पता। राज ने जो एक्टिंग की है इस शो में, आई थिंक हम दोनों से तो मतलब अच्छी है। मुझे बेहद अच्छा लगता है इस शो में एक्ट करना और इस कैरेक्टर को निभाना। जी, मुझे बेहद अच्छा लगता है किरदार जो सोनू का है और सनफ्लावर सोसाइटी में रहता है, और इस किरदार का देखने में बड़ा इनोसेंट लगता है, शरीफ सा लगता है और कई बार इडियट भी लगता है, क्योंकि मर्डर किसी और ने किया है और अपने ऊपर उड़ता तीर ले लेता है। इल्ज़ाम कैसे इसके ऊपर धीरे धीरे आता है सीज़न वन में, ये हम देखते हैं, पर सीज़न टू में जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पे रोज़ी जी की एंट्री होती है जो अदा प्ले कर रही हैं वो कैरेक्टर, तो और सनफ्लावर सोसाइटी का माहौल जो है एक्साइटिंग हो गया है, उसमें एक स्पार्क आ गया है और एक अदा आ गई है। तो हाँ जी अदा जी, आप अपने कैरेक्टर जी, हाँ, मैं सबको हैरान परेशान तो कर रही हूँ, पर मैं बार डांसर बनी हूँ सीज़न टू में, ऐसे मैं कहती हूँ लोगों को, पर मैं एक्चुअली क्या बनी हूँ किसी को नहीं पता, सिर्फ राज जी को पता है। राज की मिस्ट्री क्या है वो भी बताइए। वो आप सीज़न में देखोगे, बिकॉज़ राज ने जो एक्टिंग की है इस शो में, आई थिंक हम दोनों से तो मतलब अच्छी है, काफ़ी कुछ बहुत उनके, हाँ, और उनके एक्सप्रेशंस जो है मतलब आप देखिए, मैं हाँ हमेशा मेरी तरफ ही देखेंगे, तो मुझे हर चीज़ में हेल्प करते हैं, कुकिंग से लेके मर्डर्स तक सब, तो मेरे एक्टिंग कोच भी रह चुके हैं। मेरे पास राज आते ही खुल जाता है, तो पर मुझे पता नहीं चल गया कि इतना खुल गया वो, पर ये कहानी का एक पार्ट है जो एक किरदार नज़र आ रहे हैं आपको, किरदार में इसलिए बोल रहा हूँ जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो किरदार क्यों है, और रोज़ी जी के बड़े साथी हैं, बड़े क्लोज हैं उनके, और सोनू से भी एक रिलेशन है जो पता चलेगा, लेकिन मुझे बेहद अच्छा लगता है इस शो में एक्ट करना और इस कैरेक्टर को निभाना। सोनू के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल बताइए, क्या नया, इसमें नयापन क्या है सनफ्लावर 2 में, क्या ऐड हुआ? देखिए, एक अगर आपने सनफ्लावर 1 में पहले 2 मिनट में पता चल जाता कि मर्डर किसने किया, लेकिन कैसे ये इल्ज़ाम ले लेता है अपने ऊपर ये किरदार, और धीरे धीरे सनफ्लावर 2 में रोज़ी का कैरेक्टर आता है और कैसे वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। सनफ्लावर सीज़न 1 में कई लोगों को कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, कई लोग मेरे पे तो गुस्सा भी कर रहे थे, अरे यार तुमने ऐसे क्यों किया, एंड में क्यों नहीं बताया, तो क्लिफ हैंगर पे छोड़ा हुआ था, तो अभी आके पता चलता है कि वो क्या क्या, वो उन सवालों के जवाब मिलेंगे और नए सवाल खड़े भी होंगे और ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, हंसी भी चलती रहेगी और लोगों को मज़ा आएगा, थ्रिल का भी और हंसी का भी। दोनों अपने दर्शकों को बता दीजिए कब आ रहा है। सनफ्लावर आ रहा है सीज़न 2 अब Z5 पर, Z5 पर 1st मार्च। सो सीजन 2 1st मार्च Z5, ये आपको ऐसे याद रखना है, 1st मार्च सनफ्लावर सीजन 2 ऑन Z5, 1 2 5 ये याद रखना है आपको, 1 2 वो 1 2 का